अब मैं इस सवाल पे आने वाला था कि जब आप एक इतने प्रतिष्ठित कलाकार के परिवार से आते हैं, क्या मन में कभी इच्छा होती है कि यार मैं अपने घराने से अलग जाकर भी जरा किसी और घराने की कुछ चीजें सीख लूं, किसी और गुरु के साथ जाके कुछ सीख लूं, या रहता है कि नहीं, हमको बाहर नहीं जाना, हमको तो जो घर में सिखाया जाएगा हम वही सीखेंगे, बाहर जाएंगे तो लगेगा कह रहे ये उनके घर का है और हमसे सीखने क्यों आ रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं, खासकर मेरे को मेरे गुरु से मुझे यही एक चीज सीखने को मिली कि बेटा सीख आप कहीं भी सकते हो। गुरु तो मेरे वो रहेंगे ही हमेशा, वो मुझे कहीं जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। जी लेकिन मैं अपने छोटों से भी सीख लेता हूँ, कोई बात अगर मुझे अच्छी लगती है। मैं अपने बड़ों से तो सीखता ही हूँ हरदम, और सीखना कभी खत्म होता ही नहीं है। तो और रही बात घराने की, तो अलग अलग घराने का बस बस थोड़ा मतलब है फाइनली तबला ही। अलग अलग घराने का मतलब होता है कि अलग अलग बोल वही तिरकिट धीरे 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 गिना धीरे नग वही है, लेकिन उसको किस तरह से पेश कर सकते हैं हम, अलग अलग वेरिएशंस जो है। तो मैं तो सभी को सुनता हूँ और सभी से सीखता हूँ, मेरे को बहुत पसंद आता है। अपनी चीजें भी हम बजाते हैं और जो बाकी घराने की जो भी अच्छी चीजें मुझे लगती हैं, जो मैं सकता हूँ, जो मैं कोशिश कर सकता हूँ, वो मैं जरूर बजाने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि, और बचपन से ही मतलब, जैसे देखिए जो सारे घराने हैं आपस में कहीं ना कहीं इंटर कंबाइंड भी हैं। जैसे बिल्कुल पहला घराना तो दिल्ली घराना ही रहा था जिस तबला फॉर्म हुआ है, अब उसके बाद और घराने आते गए आते गए, और उसमें कहीं ना कहीं लिंकेज जरूर है अगर हम देखें तो। और जो लैंग्वेज है तबला की, फाइनली वही सब बोल है, बस उसको कैसे हम लोग अलग अलग टेक्निक कह लीजिए, जैसे कुछ टेक्निक के ऊपर है, क्योंकि तबला का सिलेबस बहुत ही वास्ट है। तो बहुत छोटी छोटी सी चीज भी इस घराने की जगह उस घराने में आ जाती है। साउंड करते हैं कि वो दिल्ली है लेकिन होता कोई और घराना है, या फरुखाबाद साउंड करे लेकिन होता अजराड़ा है, तो या सॉरी अजराड़ा साउंड करे तो होता फरुखाबाद है, ऐसे भी कुछ चीजें हैं। तो घराने में बहुत छोटे 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 बारीकियां का फर्क होता है जो घराने बनाता है। तो मेरी कोशिश तो यही रही है कि मैं जो मुझे अच्छा लगे वो कोई भी करूँ, उसको मैं सीखूं और अच्छे से अच्छे तरह से उसको पेश करने की कोशिश करूँ। और इसीलिए ही अगर हम एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, तो मैंने पर्कशंस भी इसलिए, जैसे आपने देखा होगा कि मैं तबले के साथ ड्रम्स भी रखता हूँ और काहून भी रखता हूँ। ये अब अलग अलग प्रांत के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टर्की का दरबुका है, स्पेन का काहून है, ड्रम्स हो गए यूएसए साइड का या यूरोप साइड का अगर हम जायज बात की बात करें तो। तो फाइनली तो सभी बीट्स हैं, अगर जी मैं किसी में बजा रहा हूँ वही 4 मात्रा है वही 8 मात्रा है। तो आई लव टू एक्सप्लोर, चाहे तबला हो चाहे तबला की बाहर की चीज हो। तो सीखना इसलिए मैं कहता हूँ कि खत्म नहीं हो सकता। तो बड़ों से सीखो चाहे छोटों से सीखो, अगर कोई चीज अच्छी लग गई सीखने में कभी शर्म मत करना। मेरे को ये पिताजी ने जरूर सिखाया, कभी ये संकोच मत कर लेना कि भाई ये तो मेरा छोटा है या ये तो किसी और घराने के हैं तो उनसे सीखो मत। सीखो और किसी से भी सीखो, कोई भी चीज अच्छी लगती है तो उसको ग्रैस्प करो, यही मैंने ये सिखाया बुजुर्गों से। अभी आप कह रहे थे कि मैं तो अपने से छोटों से भी सीखने में परहेज नहीं करता, और आप लोग बड़े यंग यंग लड़के हैं। मैं देखता हूँ एक बहुत अच्छा सा आप लोग का बैंड है जिसमें आप लोग मिलजुल कर संगीत के अलग अलग रंग बिखेरते हैं, उससे उसकी महक को फैलाते हैं। उस बैंड के बारे में थोड़ा सा बताइए, कौन कौन से साथी कलाकार हैं, क्योंकि मैं पर्सनली तो मैं तो सबको जानता हूँ, लेकिन जो सब्सक्राइबर्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं आपके बहाने उस बैंड का भी परिचय हो जाएगा। जरूर जरूर, आप जरूर बाज की बात कर रहे हैं, बाज द साउंड्स ऑफ हाँ इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल ये भी एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जो पंडित रविशंकर जी ने 1950s में इजाद किया था, जिस विच वॉज एग्जीक्यूटेड बाय माई ग्रैंड फादर एंड हिज फेलो म्यूजिशियंस। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम है ताल वाद्य कचहरी, जिसमें साउथ साउथ इंडियन ड्रम्स और नॉर्थ इंडियन ड्रम्स कोलैब करते हैं, कन्वर्सेशन होती है, जिसको हम जुगलबंदी भी कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये सारे ही ताल वाद्य हैं तो इसका नाम दिया गया था ताल वाद्य कचहरी, एक कॉन्फ्रेंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट परकशंस और डिफरेंट डिफरेंट प्रांत। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही यूनिक लगा, तो मैंने कहा कि जरूर इस कॉन्सेप्ट पे कुछ काम किया जाए।
विशाल कुमार जी हैं, बहुत ही सीनियर हमारे ढोलक प्लेयर हैं दिल्ली से। वो मैंने उनसे बात करी क्योंकि ढोलक ताल वाद्य कचहरी में, क्योंकि फोक इंस्ट्रूमेंट है तो अभी तक ढोलक इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी ताल वाद्य के अंदर, तो मेरा बड़ा इच्छा था कि कुछ ढोलक के साथ और साउथ इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स में। मैंने मनोहर भाई से बात करी और शौनक से बात करी, वो लोग घटम प्लेयर एंड वन इज अ मृदंगम प्लेयर। तो इन तीनों चारों से मेरी बात हुई कि भाई कुछ ग्रुप बनाया जाए और इसको हम लोग कुछ इस तरह से लेकर आए जो पुरानी झलक भी रहे और उसमें थोड़े कुछ नई झलक भी आए। तो हमने कुछ कुछ कोशिश करी है, उसमें आप जरूर देखिएगा, आप लोग को अच्छा लगेगा। और इसमें अलग अलग हमने जातियों का इस्तेमाल किया है, जैसे कुछ टेक्निकल बातें हैं, जैसे कुछ जातियां हैं, कुछ अलग अलग कुछ उपज किया हम लोगों ने अलग अलग, क्योंकि साउंड इतनी अलग है, इसमें वेरिएशन है। घटम की अलग साउंड है, तबले की अलग साउंड है, मृदंगम की अलग ही साउंड है, ढोलक की अलग साउंड, लेकिन येट हाउ दे ऑल कैन बी प्लेड टुगेदर। सबका लैंग्वेज अलग है लेकिन फाइनली वही बात आ जाती कि ताल वही है, वही आठ मात्रा है, वही छंद है। बिल्कुल तो कैसे हम सब लोग उसमें अलग अलग लिपट के आ रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसमें वही ये आपको देखने को मिलेगा। और आई होप आप लोग को अच्छा लगे ये कॉन्सेप्ट। कोई पढ़ंत आप और सुनाइए हमें। जरूर जरूर। मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सी चीज है दादाजी की, क्योंकि जिक्र उन्हीं का चल रहा है तो उनकी कुछ एक और चीज सुनाता हूँ, आपको बड़ी पसंद आएगी। इसमें तक का बड़ा अच्छा प्रयोग है। तिन तिन ना तक धिन धिन ना धा अक धिन ना ना धिन धिन ना ना तक धिन ना इसको एक बार और पढ़ दे रहा हूँ ताल ताल के साथ। तिन तिन ना तक धिन धिन ना धा अक धिन ना धिन धिन ना ना तक धिन ना क्या बात है प्रांशु, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि मतलब जिस परंपरा को लेकर आप चल रहे हैं, और जो हमने शुरू में कहा भी था कि जो जिम्मेदारी आपके ऊपर है, उस जिम्मेदारी को आप खूब अच्छे से निभाएं, खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स करें, और ये खुली सोच जो है कि अपने से छोटों से भी सीखना है, या दूसरे घरानों के भी कुछ अच्छी चीजें अगर हैं तो वो भी सीखना है, यही एटीट्यूड रहे। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं रागगिरी के तमाम सब्सक्राइबर्स की तरफ से, और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। थैंक थैंक यू सो मच। नमस्कार। यू, थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।